सत श्री अकाल, देख रहे हो चढ़दीला टाइम टीवी। मैं तुहाडा रमन बाजवा। ते हुण तक दी वड्डी खबर जो आ रही है, दुनिया विच सब तो वध कोरोना वायरस केसां दे मामले विच भारत 10वें तो हुण 9वें नंबर ते आ गया है। भारत ने शुक्रवार नूं तुर्की नूं पछाड़ दिता। इस तों पहलां 24 मई नूं भारत ईरान नूं पछाड़दिआं 11वें तो 10वें स्थान ते आया सी। भारत विच पिछले 24 घंटे विच इस वायरस दे 7466 मामले सामने आए ने। देश विच हुण कोरोना दे केसां दी गिनती 165799 ते हो गई है, जदों कि तुर्की विच कुल केस 160000 ने। इस मामले विच भारत तों अगे 8 देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, रूस, ब्राजील ते अमरीका ने। इस दरमियान लॉकडाउन की वड्डी खबर आ रही है, तो लॉकडाउन 4 की मियाद एतवार को समाप्त हो जा रही है। अजे भी सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी है, जिस तहत कैबिनेट सकत्तर राजीव गौबा ने सूबे के मुख्य सकत्तर से सिहत सकत्तर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान सब तो वध प्रभावित 13 शहरों के म्यूनसीपल कमिश्नर, जिला मैजिस्ट्रेट ते SP नूं शामिल करके सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि लॉकडाउन 5 दौरान खास जोर कोरोना दे यानी महामारी दे वड्डे हॉटस्पॉट ते रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में पहलां दे मुकाबले छोट मिल सकती है। देश में इस वायरस के लगातार वध रहे मामले सरकार लई वड्डी चिंता का विषय ने, पर नाल ही राहत की खबर है कि 70% तो वध मामले 13 शहरों तक ही सीमित ने। इस दौरान राजस्थान तो वड्डी खबर आ रही है, तो राजस्थान में 91 नवे महामारी पॉजिटिव मरीज सामने आने के नाल ही इसकी गिनती बढ़ के अज 8158 पहुंच गई है। 182 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल विभाग वालों अज सवेरे जारी रिपोर्ट मुताबिक सब तो वध चालावाड़ 42, राजधानी जयपुर 12, नौगौर 12, चूरू 6, उदयपुर 5, धौलपुर 5, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर 2-2, कोटा 1 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए। विभाग वालों वीरवार को 2 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। इस जानलेवा विषाणु नाल हुण तक सूबे 182 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इस दरमियान अमृतसर तो वड्डी खबर आ रही है, तो कोरोना वायरस अमृतसर में पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है। शुक्रवार 11 नवे मरीज पॉजिटिव पाए गए ने। इतने दस दईए कि इस नाल जिले में हुण मरीजों की कुल गिनती 373 हो चुकी है, जिन्हों चो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर अमृतसर में वध रहे कोरोना के कहर कारण लोगों में दहशत पाई जा रही है। इतने दस दईए कि अमृतसर में बीते दिन वायरस कारण एक महिला की मौत हो चुकी है। उधर लुधियाना में रेलवे विभाग के कर्मचारी की महामारी कारण मौत हुई है। इस दरमियान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो वड्डी खबर आ रही है, तो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच अदालतों विच कामकाज का नवा रोस्टर जारी हो गया, जिसनों लैके 1 जून तो यह रोस्टर लागू होएगा। नवे रोस्टर के मुताबिक मुख्य जज रवि शंकर चार, जज अरुण पली की डबल बैच और होर डबल बैच में सिविल और रिट संबंधी मामले भेजे जाएंगे। रिट पटीशन, जनहित पटीशन, जिन्हां विच सिविल रिट पटीशन, एनवराइज संबंधित मामले, टेंडर के मामले, संविधान संबंधित मामले, सिक्ख्या संबंधी और दाखला संबंधी मामले सुने जाएंगे। शुक्रवार को मुख्य जज सिंगल कोर्ट में बैठेंगे, जो कि आर्बिट्रेशन केस सुनेंगे, जिस विच 5 करोड़ तो वध वैल्यू वाले मामले की सुनवाई होगी। सो इस हुण तक दी खबरां, देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़दीला टाइम टीवी ते।